ना करवाई, क्योंकि जो कंपनी ने साइलेंसर दिया है इसका साउंड भी अच्छा है और ये साइलेंसर की कीमत 26,000 रुपए होती है। दोस्तों हम आनंद भाई की खास बात पे बात करते हैं। सबसे पहले जो आनंद भाई मॉडल है इसका जो लुक है ये एक स्पोर्ट्स मॉडल है, जो कि अलग अलग कंपनियों के स्पोर्ट्स मॉडल है उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मॉडल यही है। आनंद भाई जो यंगस्टर है उनकी सबसे पहली चॉइस स्पोर्ट्स बाइक में आनंद भाई की है। इसके अंदर कंपनी ने प्रोजेक्ट लाइट लगाई है, आप देखिए अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये इसकी हेडलाइट है, प्रोजेक्ट है, काफी अच्छी लाइट है और इसके साथ कंपनी ने डिजाइन में डीआरएल दिया है। नाइट मोड में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इसके साथ इस गाड़ी के अंदर आप नीचे देख सकते हैं रेडिएटर सिस्टम लगा हुआ है कूलिंग के लिए। ये रेडिएटर लगा हुआ है जो कि 150 सीसी की बाइक में बहुत रेयर चांस में मिलता है। इससे क्या है कि अपना जो इंजन है उसकी कूलिंग रहती है, इसमें इंजन गर्म नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ये मॉडल है 155 सीसी इंजन के अंदर आता है, 18.4 पीएस पावर है जो कि 155 सीसी इंजन को लेके बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर। इसकी जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड इसका 145 प्लस है और इसका जो कंट्रोल है सेफ्टी के मामले में कंट्रोल सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर सोकर है, कंपनी ने यूएसबी सोकर डाला है। पहले जो मॉडल वर्जन 3 आता था उसके अंदर नॉर्मल सोकर आते थे टेलीस्कोपिंग, अभी इसके अंदर यूबीएस सोकर कंपनी ने इंस्टॉल किया है। बट इसका जो इंडिकेटर है इंडिकेटर कंपनी ने भी नॉर्मल किया है, एलईडी इंडिकेटर है वो यामा की R15N सीरीज में आता है, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और इस गाड़ी का जो चेसिस आता है आप देखिए चेसिस है, डेल्टा फ्रेम चेसिस है, ये जो चेसिस है डेल्टा फ्रेम है और इसके ये चेसिस सिर्फ R15 सीरीज में और MT15 सीरीज में आता है। इसके अलावा FG वगैरह जो मॉडल आते हैं उसमें नॉर्मल चेसिस आता है। मैं इसके अंदर 8 से 9 सेंसर डाले हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं, जिसमें कंपनी ने एक सेंसर ऐड किया है जिसको O2 सेंसर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है, ये देखिए ये कंपनी ने एक O2 सेंसर डाला है। अगर हमारे व्हीकल के अंदर कभी भी इंजन के रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो ये सेंस करके और मीटर पे शो कर देता है इंजन फॉल्ट को, तो इससे क्या है ज़्यादा नुकसान नहीं होता गाड़ी को और मैकेनिक उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर देता है चेक करके, ठीक है। इसके साथ कंपनी ने ड्यूल चैनल ABS सेफ्टी के रिगार्डिंग डबल चैनल ABS डाला है, डबल डिस्क में है, तो इस व्हीकल को हम कितना भी इमरजेंसी में स्टॉप स्पीड पे इमरजेंसी में अगर इस व्हीकल को हम कंट्रोल करते हैं तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा कंपनी ने इस गाड़ी इस बाइक के अंदर एक ब्लूटूथ सिस्टम डाला है जो कि फ़ोन से कनेक्ट होता है, इसमें हम अपने व्हीकल की राइडिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, 1 वीक के अंदर हम कहाँ कहाँ राइडिंग करके आए हैं। इसके अलावा पार्किंग रिकॉर्ड ये चेक करवा देता है, हैज़ार्ड सिस्टम भी इसके अंदर है और इस सिर्फ एक GPS को आप हटा दीजिए, उसके अलावा इसके अंदर सारा सिस्टम कंपनी ने डाला है ब्लूटूथ में। बट इसकी कंडीशन ये कि कस्टमर का फ़ोन गाड़ी के साथ कनेक्ट होना कंपलसरी है। और जो इसके अंदर मीटर है, मीटर में हमें अलग अलग फंक्शन मिल जाते हैं, तो जैसे हम ओपन करते हैं मीटर को, जैसे हम मीटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैसेज कॉलिंग हीट सेंसर्स ABS TCS ट्रैक कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर है, ये सारे के सारे चीज़ें इंडिकेशन होती हैं। इसके अलावा हम इसमें इसका मोड आता है, मोड भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका मोड चेंज करने का स्विच यहाँ पे होता है, पहले सेल्फ स्विच यहाँ पे आता था नीचे, अभी सेल्फ स्विच यहीं से स्टार्ट होगा निकल, और अभी ये जो स्विच है यहाँ से अपना मीटर की जो सेटिंग्स है हम चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ट्रैक वगैरह। जैसे हम इसको स्विच दबा रहे तो देखो एवरेज का भी है कि हमारी एवरेज पर लीटर किस हिसाब से एवरेज दे रही है, ठीक है। TCS ट्रैक कंट्रोल सिस्टम ऑन ऑफ का इसमें ऑप्शन आता है, इसके अलावा इसमें बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक मोड, एवरेज, मतलब सारे के सारे फंक्शंस इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। अब इसकी हम सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं, इसकी सीटिंग पोजीशन जो पहले R15 V3 मॉडल आता था, V2 मॉडल आता था, उनकी सीट्स पीछे से थोड़ी ज़्यादा हाइट में थी, अभी कंपनी ने इसका जो हाइट है वो ठीक किया है, तो अभी मैं आपको बैठ के दिखा सकता हूँ इस बाइक पे, देखिए बिल्कुल मॉडल है, इसमें ज़्यादा कोई पहले जो बोलते थे कि कस्टमर मेरे को बैक पेन है, अभी ज़्यादा इशू नहीं आता, सीटिंग पोजीशन काफ़ी बेस्ट है। और इसके अंदर पहले क्या होता था कि कस्टमर्स व्हीकल लेने के बाद कोई भी व्हीकल लेते हैं तो इसके अंदर इसके जो इंडिकेटर्स का स्विच लगवाते थे एडवांस में अलग, इसमें क्या होता था कि वो पार्किंग स्विच बोलते हैं इसको, 4 इंडिकेटर जलते हैं, अभी कंपनी ने वो ऑप्शन इस व्हीकल के अंदर स्विच ऑलरेडी दिया है, आप चेक कर सकते हैं 4 के 4 इंडिकेटर जल रहे हैं और इसका स्विच यहाँ पे बिल्कुल सेल्फ के बिल्कुल नीचे दर का आप देख सकते हैं, ये स्विच है, ये देखिए ये वाला स्विच है इसका पार्किंग का, पार्किंग लाइट पे देखिए 4 इंडिकेटर हमारे जलेंगे, ऑन ऑफ का सिस्टम है,
12 वोल्ट के अंदर इसकी बैटरी है, ड्राई बैटरी। और जो इसका एवरेज है, एवरेज सबसे बेस्ट है, और ये एवरेज बेस्ट का ऑप्शन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 साल से आर एन फाइव यूज कर रहा हूँ। मेरे पास आर एन फाइव वर्जन 2 है, मैं उसकी एवरेज से काफी खुश हूँ। तो अभी तो वर्जन 4 आ गया, तो कंपनी ने और भी ज्यादा इसके अंदर चेंजमेंट किया है। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल को, जो मेरे को वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स व्हीकल पसंद है तो आप इस मॉडल को लें। सीरीज कलर आपकी इच्छा है कोई भी ले सकते हैं। कलर वाइज थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंसेस है, जैसे ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, अलग अलग कलर्स हैं, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। माइलेज, लुक और परफॉर्मेंस, साउंड कैसा है। कंपनी ने जो साइलेंसर लगाया है, काफी लोग क्या करते हैं कि बाइक लेने के बाद साइलेंसर को चेंज करते हैं कि हमें तो हैवी साउंड चाहिए, साइलेंसर को चेंज करना है। मैं सजेस्ट करता हूं कि साइलेंसर को चेंज ना करवाएं, क्योंकि जो कंपनी ने साइलेंसर दिया है इसका साउंड भी अच्छा है। और ये साइलेंसर की कीमत 26,000 रुपये होती है, तो अपना 2-4-5 हज़ार का जो लोकल साइलेंसर हम डलवाते हैं उससे इंजन के ऊपर इफेक्ट आता है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि इस साइलेंसर को ना डलवाएं और ये साइलेंसर यूज करें। मैं भी आप इसके साइलेंसर की आवाज़ स्टार्ट करके दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए आपने इसकी आवाज़ भी देख ली होगी, काफ़ी अच्छी बाइक की जो ये आवाज़ है। तो अभी अगर आपको ये व्हीकल चाहिए या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना जो डीलरशिप है वो नारनौल में है, एमआर मोटर यामा शोरूम रेवाड़ी रोड पर है, और मारुति शोरूम के जस्ट सामने में। कैश में किसी प्रोसेस में चाहिए तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं अपना नंबर इसमें डाल दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके प्राइस को मैंने आपको बता दिया कि इसका प्राइस 182,639 रुपये आज का प्राइस है, और प्राइजेज ऊपर नीचे होता रहता है। तो जिस दिन आप डिलीवरी लेंगे उस दिन का प्राइस के हिसाब से आपको व्हीकल मिल जाएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।